हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन इंडिफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है एक्स टू दी पावर 7। ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। आगे आपको सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स, स्पेशल टाइप सब मिलेगा, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स टू दी पावर 7, ठीक है। तो ये एक्स टू दी पावर एन का स्ट्रक्चर है। फॉर्मूला होता है एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस 1, और यहाँ पे एन प्लस 1 एंड प्लस सी, ये फॉर्मूला है। एक्स टू दी पावर एन, एन का वैल्यू यहाँ 7 है, तो 7 प्लस 1 7 प्लस 1। तो सिंपली जो है इसको अभी हम लोग करेंगे, एक्स पे पावर 7 है तो एक्स टू दी पावर 7 प्लस 1, और यहाँ पर भी 7 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लस सी, तो एक्स टू दी पावर ये हो गया 8, और यहाँ पर भी हो गया 8 एंड प्लस सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है रूट एक्स, और यहाँ पे 3 है करनी में, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्स पे पावर 1 होता है, इसको ब्रेक कर लेंगे, तो एक्स पर पावर हो जाएगा 1/3 और डी एक्स, तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग 1 प्लस 1 यहाँ भी करेंगे प्लस 1, तो इतना फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ बता देते हैं क्या करना है। इसको इसमें जोड़ देना है, तो 3 और 1 कितना हो गया, एक्स पर पावर हो गया 4/3, और इसी को पलट के यहाँ पर लिख देना है 3/4 प्लस सी। ये शॉर्टकट है, प्लस 1 करना है, एलसीएम लेना है, उतना करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ देखिए कुछ नहीं, तो 1 है इसका कोफिशियंट, तो 1 1 का हो जाएगा एक्स, जैसे एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है, तो ये हो गया प्लस सी। नेक्स्ट अगला है 1/x^3, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं, तो x पे पावर हो गया -1/3, ठीक है, और dx इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो x टू की पावर -1/3 प्लस 1, एंड यहाँ पर भी -1/3 प्लस 1 एंड प्लस सी, तो ये हो जाएगा 3 एक 3 3 में गया, x पर पावर हो गया 2/3, और यहाँ जो ये जो 2/3 है इसको यहाँ पलट देंगे, तो हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये वाला टर्म जो है इसको सॉल्व करके ये यहाँ ऊपर जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है 1/x², तो एक्स स्क्वायर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो एक्स पर पावर -2 हो जाएगा dx, ठीक है। तो एक्स पर पावर -2 प्लस 1, और नीचे में भी यहाँ भी हो जाएगा -2 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करते हैं प्लस सी, तो एक्स टू दी पावर हो गया -1, नीचे हो गया -1 प्लस सी, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो हो गया माइनस, और एक्स पे पावर -1 है, मतलब एक्स इनवर्स है, इसलिए 1/x हो जाएगा प्लस सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यहाँ पे है 4^x, तो यहाँ फॉर्मूला पहले होता है a^x ए एक्स और अपॉन हो जाएगा log a एंड प्लस सी, तो यहाँ पे ए एक्स का जो स्ट्रक्चर है वो 4^x है, तो ये 4^x हो गया, ये a है, log a का मतलब log, और a के स्थान पे हो जाएगा log 4 एंड प्लस सी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है 3x², 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लेते हैं, 3 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x^2+1 एंड 2+1 एंड प्लस सी, तो ये हो गया 3 × x³/3+c, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली x³+c। नेक्स्ट 8 नंबर है 2^x+2, तो a^x का स्ट्रक्चर है, तो a^x/log a, a^x हो जाएगा 2^x+2, और यहाँ पे हो जाएगा log a, तो log और a के लिए हो जाएगा हमारा 2 एंड प्लस हो जाएगा c, ये हो गया, a का वैल्यू 2 था, तो ये 2 log 2 हो गया प्लस c। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान समझना है क्वेश्चन हमारे, इसमें 5 है, तो 5 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, अंदर में बचेगा x³dx, ठीक है। अभी तोड़ के बता रहे हैं, फिर हम लोग जब आगे बनाने लेंगे तो शॉर्टकट ले लेंगे। 2 को बाहर निकाल लेते हैं, x टू दी पावर हो गया -5dx, -7 को बाहर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इंटीग्रेशन x dx प्लस, इसमें कुछ बाहर करने के लिए नहीं है, तो 1/√x dx, और इसमें 5 बाहर हो जाएगा, अंदर में 1/x dx, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, 5 है हमारे पास, x टू दी पावर 3 है, तो 3 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4/4, क्योंकि यहाँ भी प्लस 1 नहीं है, प्लस 1। अब यहाँ पे 2 है, x टू दी पावर -5 है, तो -5 में प्लस 1 करेंगे, तो x टू दी पावर बचेगा -4, और यहाँ पर भी बचेगा -4, -7 × x^1 है, तो 1 का हो जाता है 2/2, एक एक जुड़ जाता है दोनों ऊपर नीचे, और यहाँ पर है इंटीग्रेशन, ये रूट एक्स है, और ये रूट एक्स ऊपर, रूट एक्स मतलब क्या होता है उसको रफ में समझाते हैं। अगर हमारे पास 1 बाय
रूट एक्स है मतलब 1/x^2 और इसको हम लोग क्या करेंगे x^-1/2 कर लेंगे। ठीक है, ये ऊपर चला गया तो x^-1/2 dx इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2√x, x^-1/2 dx का फॉर्मूला 2√x हमें लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास वही चीज़ है, अभी 1/√x ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर, और जब पावर माइनस हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे 2√x। ठीक है, और प्लस 5, और 1/x का होता है log x, प्लस 5 1/x का हो जाएगा log mod x एंड प्लस c, फार्मूला याद रखना है आपको। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या क्या बचा, 5/4 हो गया x^4, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, ये 2 बचा, और x^-4 है, इस माइनस 4 को प्लस 4 करने के लिए 1/, इसको हम लोग यहाँ नीचे कर दिए, 4 हो गया, ये हो गया 7/2 इंटू x², ये 2√x एज इट इज़, और प्लस 5 log mod x प्लस c, यहाँ पे कैंसिल भी कर देना था तो 2 जा हो गया, यहाँ कैंसिल नहीं किए थे तो 2 हो गया, तो यहाँ पे ये 2 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 sin x - 4 cos x + 5 sec² x - 2 cosec² x, तो बस इसमें फार्मूला पुट करना है और सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग साइन का होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो 3 तो रहेगा ही, और साइन का माइनस होता है तो माइनस हो गया बाहर में, कॉस का होता है साइन, तो माइनस 4 कॉस का हो जाएगा सिर्फ साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन टेन एक्स, तो ये हो गया 5 tan। उसके बाद है माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स, क्योंकि एक्चुअली सी से शुरू है और सी से जो भी शुरू रहेगा उसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला माइनस में आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस, और 2 तो है ही कॉट एक्स एंड प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 - x (2+3x)(5-4x), तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई का तीनों का जो प्रोडक्ट है ये हमारा आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो 10 है, 10 में कुछ नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई जो है कोफिशियंट 1 है, तो 1 का x होता है तो ये हो जाएगा 10x, 3 है x का हो जाएगा x²/2, 19 है x² का हो जाएगा x³/3, एंड 12 है x³ का हो जाएगा x⁴/4 एंड प्लस सी, तो 4 × 3 = 12, फाइनली हो गया 10x - 3x²/2 - 19/3x³ एंड 3x⁴+c। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें x³ से सब में डिवाइड कर देते हैं, तो x⁴ है या 3 है तो कैंसिल होके बचेगा 3x, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 प्लस ये कैंसिल होके बचेगा 4/x, और ये बचेगा 1/x² 1 है, और प्लस 2/x³। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 3 है x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, -5 का हो जाएगा 5x, 4/x है, 4 हमारा बाहर हो गया, 1/x का होता है log mod x, माइनस 1/x² है ये ऊपर चला जाएगा, 1/x² जो है 1 - 1/x² 1/x का होता है, तो यहाँ हो गया प्लस 1/x, इसका डिफरेंशिएशन होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। इसको सॉल्व करना है, इसमें 2 बाहर रहेगा और x चला जाएगा यहाँ पे ऊपर में -3+1 और -3+1, तो ये हो गया x⁻², और 1 - 2, तो ये माइनस हो गया प्लस माइनस, और नीचे में 2 हो गया तो 2x² एंड प्लस सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, x² + 1/x²³, तो a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a³ + b³ + 3a² + 3ab² पे सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर लिए इसको हम लोग, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, x⁶ है तो ये हो जाएगा x⁷/7, और ये 6 ऊपर जाएगा तो -6 होगा, तो -6+1, तो ये हो जाएगा x⁵-5, यहाँ माइनस कर दिए प्लस माइनस, और 3 × x³/3, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 × -1/x + c, इसको फाइनली लिख देना है, x⁷/7 - 5x² कैंसिल, +x³ - 3/x + c। नेक्स्ट
14 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर को हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स पावर वन है तो हो जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और माइनस सेवन है तो सेवन एक्स, बारह जो है वो बाहर आ जाएगा प्लस बारह था, और वन बटे एक्स प्लस टू तो वन बटे एक्स का होता है लॉग अमाउंट एक्स एंड प्लस सी, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा बाकी आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसको फार्मूला में तोड़ना है, फार्मूला में तोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, और वन का हो जाता है एक्स प्लस सी। यहाँ ध्यान रखना है कॉसेक जो है वो सी से स्टार्ट है, तो जो भी सी से स्टार्ट होता है उसका इंटीग्रेशन माइनस में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, माइनस वन का एक्स हो जाएगा प्लस सी। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, इसका फॉर्मूला नहीं होता है तो इसको हम लोग फार्मूला में लाते हैं, ठीक है, इसके क्या 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 करते हैं, दो से गुना कर दिए और दो से भाग दे दिए, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अब इसका फार्मूला हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स, इसका फार्मूला है वन माइनस कॉस एक्स, तो ये वन बाई टू दोनों के लिए है, सॉल्व करते हैं वन का हो जाएगा एक्स, तो वन बाई टू है वन का एक्स हो जाएगा और कॉस का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने लगा है, तो यहाँ पे वन है, वन के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू वन होता है, और साइन टू थीटा का होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या जो भी है एक्स थीटा जो भी है, रूट अंडर डी एक्स इंटीग्रेशन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन प्लस कॉस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, तो साइन का हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 19 नंबर है 1 प्लस साइन एक्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज कर लेते हैं, 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स, और 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 1 बाय कॉस होता है सेक, और साइन बाय कॉस होता है टैन, यहाँ ध्यान से देखना है कि ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ये दोनों के लिए है, तो वन बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर और साइन बाय कॉस एक्स टैन एक्स, लेकिन एक कॉस बच गया, जो बच गया ये फिर ऊपर चले जाएगा, तो सेक एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। अब फार्मूला पे आ जाना है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है टैन एक्स, और सेक इंटू टैन का हो जाता है सेक एक्स। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, तो क्या करते हैं इसमें एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, तो ये जो टर्म है ये इसके लिए आएगा एक बार और एक बार इसके लिए आएगा, तो इसको एक बार बढ़िया से लिख देते हैं यहाँ पर कि वन प्लस साइन एक्स, और फिर से यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स, और माइनस फिर वन यहाँ आ गया और वन प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये पूरा तो एक कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगा, और वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम लोग जस्ट अभी किए हुए हैं पिछला क्वेश्चन में, यहाँ पर वन प्लस वन वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स, इसको हम लोग रेशनलाइज किए थे तो आंसर आया था इसका टेन एक्स माइनस सेक एक्स, तो सेम चीज़ ये भी क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर आ जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, तो एक्स से हम लोग यहाँ कर देते हैं माइनस टेन एक्स हो गया और माइनस माइनस प्लस सेक एक्स हो गया। नेक्स्ट 21 नंबर है
sec x अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, इसमें हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, sec x प्लस टेन है sec x माइनस टेन एक्स, sec x माइनस टेन एक्स, ठीक है। तो इसको sec इंटू sec ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स, और sec इंटू टेन हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो ये जो sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स है ये वन हो गया, इसलिए वन ये ख़त्म हो गया, तो sec स्क्वायर एक्स और ये बचा। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स, और sec टेन का हो जाता है sec x एंड प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन है वन माइनस कॉस टू एक्स अपन वन प्लस कॉस टू एक्स, अगर माइनस रहा तो साइन में बदल जाएगा, वन माइनस टू कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस रहेगा तो टू कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स टू टू कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो गया टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और टेन टूटेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है टेन एक्स, और वन का हो जाता है एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 23 है, नीचे में ये साइन स्क्वायर एक्स है ये दोनों के लिए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं तोड़ करके, 4 बाहर हो गया और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 बाहर हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस अपॉन साइन जो है कॉट एक्स होता है, और एक साइन जो बच गया ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक एक्स डी एक्स, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर का होता है एक्चुअली सी से स्टार्ट है, तो माइनस होगा, कॉसेक का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और कॉट इंटू कॉसेक जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, क्योंकि ये भी सी से स्टार्ट है, तो माइनस माइनस हमारा क्या माइनस ही हो जाएगा, यहाँ से माइनस आ जाएगा प्लस 5। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कॉस टू एक्स, तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये जो नीचे वाला टर्म है ये पूरा दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर से कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, डी एक्स इंटीग्रेशन ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो बच गया वन अपॉन साइन स्क्वायर जो कि ऊपर चेंज हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर ये कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर हो जाएगा टेन एक्स एंड प्लस सी। 25 सिमिलर क्वेश्चन है 24, यहाँ पे हम लोग 1 के लिए वैल्यू पुट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के लिए हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, साइन कैंसिल कॉस कैंसिल, तो वन बाय कॉस जो है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस कॉसेक का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कॉस टू एक्स, तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस कॉस टू अल्फा, तो टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, नीचे एज इट इज रहेगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा
डी एक्स सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस वन कैंसिल, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स, ऊपर में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बाहर, कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का एक्स हो जाएगा एक्स इंटू कॉस अल्फा एंड प्लस सी। 27 है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस टू एक्स 1 प्लस कॉस टू एक्स, आसान है, सॉल्व कर लेते हैं। टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस टू एक्स का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स डी एक्स, तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाय 2। 28 है साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे और क्लास टेंथ वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। साइन इनवर्स कॉस को चेंज करते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा डी एक्स इंटीग्रेशन पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है तो पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है यहाँ पे बाहर हो जाएगा, जब ये बाहर होगा तो 1 बचेगा और 1 का एक्स होता है, तो पाई बाय 2 इंटू एक्स, और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। 29 में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार और एक क्वेश्चन, तो x टू द पावर माइनस 5 अपॉन 4 है, तो x टू द पावर माइनस 5 अपॉन 4 प्लस 1 और फिर से माइनस 5 अपॉन 4 प्लस 1 और प्लस c, तो ये हो गया x टू द पावर 4 का 4 5 में 4 या माइनस 1 अपॉन 4 और नीचे भी माइनस 1 अपॉन 4, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये 4 ऊपर चला गया और माइनस 4 हो गया इंटू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 4, ये माइनस को हम लोग यहाँ एलिमिनेट कर लिए प्लस सी। नेक्स्ट 30 नंबर में है एक्स टू दी पावर माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लॉग मॉन्ट एक्स प्लस सी।